ए गुड इवनिंग बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है इंटीग्रेशन के एमसीक्यू और इंटीग्रेशन के टू मार्कर्स क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिए आराम से। इंटीग्रेशन देखिए काफ़ी बड़ा टॉपिक है, बट कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है, लिमिट डालनी है। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट होके आपके पास आएगा एक्स क्यूब बाई थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स, लिमिट है 0 से 2। तो यार सीधी बात है, 2 ही डालना, 0 पे तो सारा 0 ही आएगा। तो 8/3 प्लस 4/2 प्लस 2, तो ये आ जाएगा आपका 8/3 प्लस 4, जो कि आपका आ जाएगा ये 20/3। तो देखिए दिस इज द ऑप्शन। अब आपके पास 0 से π साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स दे रखा है। तो देखिए वैसे तो मैं आपको इसका एक शॉर्टकट भी बता देता हूं, इसका आंसर π/2 आएगा। अगर आप ए से लेके बी तक साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स कर लो, या ए से लेके बी तक, ये हमेशा नहीं, मैं किन लिमिट्स में आएगा मैं बता देता हूं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। अगर ये 0 से π/2 लिमिट है तो इन दोनों लिमिट्स का एवरेज आंसर आएगा, तो इसमें आता π/4। तो इसमें 0 से π में, लेकिन कॉस के केस में ऐसा नहीं होगा, बट फिर भी चलो मैं इवेलुएट कर देता हूँ, आंसर तो π/2 आएगा कन्फर्म। साइन स्क्वायर एक्स है तो अगर मैं बिगर प्रॉपर्टी के करूं तो बच्चा करना चाहे तो सीधा लिखेगा 1 - cos 2x/2 0 से π इसका इंटीग्रेशन। तो उस केस में इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x/2 - sin 2x/4। यहां पर भी इजी है, पाई डालेंगे तो π/2 और साइन 2π 0 होता और पूरा फिर 0 ही आएगा, तो π/2 आंसर आ गया। ये वाला क्वेश्चन देखिए, cos 2x / sin x + cos x2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। cos 2x को आप लिख लीजिए cos²x sin²x / sin x + cos x² फैक्टराइज कर लीजिए cos x - sin x or cos x + sin x, ये बन जाएगा sin x + cos x² ये कैंसिल हो जाएगा। अगर अब आप देखें ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है। तो जब भी इस टाइप से इंटीग्रेशन हो f'/f, तो जी सीधा आंसर आएगा log mod f + c, तो log mod sin x + cos x, जी बी ऑप्शन आ जाएगा। इस क्वेश्चन में करेक्शन है, ये यहाँ पर x आएगा, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पर 1 + log x को t मान लेंगे तो इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/x dx = dt। तो क्वेश्चन आपका क्या बन जाएगा, t²dt यानी कि t³/3 + c। अब t क्या है आपका, 1 + log x³³/3, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है, खाली क्या करना है टर्म्स को अलग अलग कर लेना, sin²x / cos²x - cos²x / sin²x cos²x। अगर ऐसा करते हैं ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ sec²x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos x² sec स्क्वायर का क्या होता है भाई, tan x, उसका माइनस cot x, तो प्लस cot x आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया,
10x प्लस कोट एक्स, पाई बाय सिक्स से पाई बाय थ्री साइन टू एक्स है, तो यार देखो कुछ नहीं करना, ये कोसेक टू एक्स बन जाएगा पाई बाय सिक्स से लेके पाई बाय थ्री, और कोसेक टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग कोसेक टू एक्स माइनस कोट टू एक्स, और एक्स का कोफिशियंट टू है तो उसे डिवाइड कर देंगे, लिमिट डाल दीजिए यार पाई बाय सिक्स से लेके पाई बाय थ्री। तो अब इट इज अ मैटर ऑफ सॉल्विंग द लिमिट्स, तो देखिए कैसे करेंगे, वन बाय टू लॉग कोसेक कितना आएगा आपका टू पाई बाय थ्री माइनस कोट टू पाई बाय थ्री माइनस लॉग कोसेक, ये बन जाएगा आपका पाई बाय थ्री क्योंकि ट्वाइस है, और ये भी कोट पाई बाय थ्री। अब कोसेक टू पाई बाय थ्री क्या बनता है भाई, बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव आएगा, तो लॉग मोड ये आपका बनेगा टू बाय रूट थ्री, और ये बनेगा माइनस वन बाय रूट थ्री, तो वन बाय रूट थ्री माइनस लॉग कोसेक पाई बाय थ्री, ये भी टू बाय रूट थ्री बनेगा, फिर माइनस वन बाय रूट थ्री। तो बेसिकली अब आपके पास जो टर्म्स बन रही हैं वो क्या बन रही है, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ये वन बाय टू लॉग थ्री बाय रूट थ्री बन रहा है, और ये बन रहा माइनस लॉग, ये बन रहा वन बाय रूट थ्री, वन बाय टू पूरे के साथ बाहर है। तो अगर इसको मैं लिखूंगा, इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ लॉग वन माइनस लॉग रूट थ्री, तो वन तो ये बन जाएगा, और यहाँ ये बन जाएगा इधर से आपका वन बाय टू लॉग रूट थ्री, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो भाई ये क्या बन जाएगा, अब आप ही बताइए, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए भी बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हाफ लॉग थ्री, और चाहो तो इसको लिख सकते हो लॉग रूट थ्री, ऑप्शन देखते हैं कहीं है तो, ये रहा डी ऑप्शन है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है क्वेश्चन में, बट करना पड़ेगा, कोई बात, इट इज़ अ गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को करने का एक ट्रिक है, आप टेन इनवर्स को 2x माइनस वन को ऐसे लिख लीजिए x प्लस एक्स माइनस वन, और यहाँ से आप माइनस x कॉमन ले लीजिए तो आपके पास बन जाएगा x माइनस वन, ये और ये टर्म स्प्लिट होके आपको दे देंगी टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x माइनस वन, और आपकी लिमिट है जीरो से वन। तो देखिए इसको संभाल देते हैं, अब एक प्रॉपर्टी होती है ए से लेके बी तक एफ एक्स डी एक्स इज ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, इसमें अगर मैं रिप्लेस करूं एक्स को वन माइनस एक्स से तो ये टर्म बन जाएगी टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जीरो टू वन प्लस जीरो टू वन टेन इनवर्स एक्स, जो कि आ जाएगा जीरो टू वन टेन इनवर्स एक्स माइनस जीरो टू वन टेन इनवर्स एक्स, कैंसल हो जाएगा तो आंसर आएगा जीरो। अच्छा क्वेश्चन है बट ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं तो करना बनता है। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये एक्स रेस्ट पावर सिक्स है और ऊपर एक्स रेस्ट पावर नाइन है, ऐसे रहने दीजिए, यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर बाहर ले लूँगा तो x की पावर 12 आ जाएगा बाहर, ये 4 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की पावर 6, यहाँ क्यूब बच जाएगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन बड़े फेमस क्वेश्चन होते हैं, एक्स क्यूब 4 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की पावर 6, तो यार सीधी सीधी बात है इसको t मान लो, तो इसका डेरिवेटिव माइनस टू बाई एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी आ जाएगा, तो माइनस वन बाय टू
ये टी की पावर माइनस सिक्स डी टी आएगा, तो टी की पावर माइनस फाइव ओवर माइनस फाइव। तो भाई हमारे पास क्या बनना चाहिए, वन बाई टेन तो आ ही गया, वन बाई टेन, और ये बन जाएगा हमारा, अगर मैं लिखूँ तो इसको, फोर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर की पावर माइनस फाइव प्लस सी। तो आई होप डी ऑप्शन इज करेक्ट वन, यस डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अब ये भी देखिए क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन। अब बच्चा यहाँ पे एक्स क्यूब को देख के घबरा जाता है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन इसका इस फॉर्म में है, इसको लिख लीजिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्स स्क्वायर को टी मान लो, तो टू एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, सीधी बात है। तो वन बाई टू, और यहाँ पे हम टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड कर दे, तो सीधी बात है यही बनना है। तो t बाय अंडर रूट ऑफ वन प्लस टी, ऐसा कुछ बन जाएगा। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर प्लस वन माइनस वन कर दूँ, तो ये बन जाएगा वन बाई टू वन प्लस टी की पावर, ऊपर जाके वन बाई टू बन जाएगा, माइनस वन बाई टू वन प्लस टी की पावर माइनस वन बाई टू। सोल्व कर लेते हैं यार इंटीग्रेशन को, वन बाई टू वन प्लस टी की पावर थ्री बाई टू इंटू टू बाई थ्री आएगा, माइनस वन बाई टू, और वन बाई टू से डिवाइड कर देंगे भाई, ये और ये तो चल बसे, तो ये आ गया वन बाई थ्री। टी हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर, ओके, और माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर वन बाई टू प्लस सी। अब कंपेयर कर लेते हैं यार, क्या ये इसी फॉर्म में है, हाँ इसी फॉर्म में है। ए हमारा आ जाएगा, ये यहाँ पर ए होगा, नाइन नहीं है, ए हमारा वन बाई थ्री है और बी हमारा माइनस वन है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये यहाँ पे रीजनिंग और असर्शन टाइप के क्वेश्चन भी हैं भाई, इनको भी देख लेते हैं। रीजनिंग और असर्शन वाले क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, खाली आपको समझना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने में ज़्यादा आपको दिमाग खर्च नहीं करना है, बस छोटा सा लॉजिक आपके पास ऑप्शन है कि असर्शन को पहले वेरीफाई करना पड़ेगा करेक्ट है या नहीं है, रीज़न तो फिर हम ढूंढ ही लेंगे, तो रीज़न ढूंढना इतनी बड़ी बात नहीं है। देखो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, तो ये बनता है मेरा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू, और टू को लिख लूँगा रूट टू का स्क्वायर। तो यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके ये आ रहा है भाई, तो इसका मतलब असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, तो ऑप्शन आएगा ए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ अगर आप ध्यान से देखें, ये जो आंसर आ रहा है ये नहीं आना चाहिए। बेसिकली हमें क्या लेना चाहिए था, एफ लेना चाहिए था माइनस कोस एक्स, और एफ डैश आता उसका साइन एक्स फिर, यानी कि ये तो फॉल्स है ये ट्रू है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है इसका, ओके। अब आप आइए इस वाले क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन दे रखा हमें माइनस टू से लेके टू तक, लॉग वन प्लस एक्स ओवर वन माइनस एक्स डी एक्स। हम यहां चेक करते हैं इवन या ओड फंक्शन, तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये जीरो आ रहा है, तो यहाँ अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स निकालूँ तो
ये बनता log 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। अगर आप इसको देखेंगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log 1 अपॉन 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ, जिससे ये बन जाएगा log 1 माइनस log 0। तो बेसिकली log 1 जीरो होता, माइनस एफ एक्स आ गया, यानी कि ओड फंक्शन है, यानी कि ये तो ठीक है, असरसन तो हमारा यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, ठीक है, यानी कि ये भी ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ लिखनी मिसिंग है, ये माइनस एफ एक्स आना चाहिए था, तब ये ऐसा होता है। बट लेकिन इसके पीछे रीज़न ये नहीं है, इसके पीछे रीज़न है आपकी इवन ओड फंक्शन वाली डेफिनेशन। वैसे देखा जाए तो अगर हम इसका देखें तो लॉजिक, ये प्रॉपर्टी डेवलप तो इसी से होती है, अगर आप ध्यान से देखें तो। क्वेश्चन काफ़ी गहरा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में अगर आपको सही से जवाब ढूंढना है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये तो ट्रू है, डेफिनेटली दिस इंटीग्रेशन इज जीरो, बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो यहां पर बी ऑप्शन आएगा। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बट हम यहां बच्चा इवन ऑड फंक्शन की मदद से इसको करेगा। यहां पर आप देखिए, ये क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको आपको ये पाई बाय सिक्स से लेके पाई बाय थ्री तक है। हम टेन को ब्रेक कर लेंगे, साइन की पावर 11 बाय 5 एक्स और कॉस की पावर 11 बाय 5 एक्स। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो आई इक्वल्स टू पाई बाय सिक्स से लेके पाई बाय थ्री, कॉस की पावर 11 बाय 5 ऑफ एक्स और कॉस की पावर 11 बाय 5 ऑफ एक्स और साइन की पावर 11 बाय 5 ऑफ एक्स। अगर अब आप देखेंगे इन दोनों लिमिट्स का सम क्या है, पाई बाय टू, तो पाई बाय टू माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे हर एक में, तो आई फिर आपका ऐसे आ जाएगा, ये ऊपर साइन आ जाएगा, ये कॉस आ जाएगा। अगर इन दोनों को आप ऐड करते हैं तो टू आई इज इक्वल्स टू पाई बाय सिक्स से लेके पाई बाय थ्री, ये आता है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पास ये टर्म कैंसिलेशन यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन मैं बच्चों को रिकमेंड करूँगा कि ये चीज़ें आप मन में कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये पाई बाय सिक्स आएगा, तो आई आ गया पाई बाय ट्वेल्व। किस प्रॉपर्टी की वजह से हुआ, यानी कि यहाँ तो दोनों ही ट्रू है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो देखिए बच्चों, ये हमने आपको सामने ये सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और हमें इस टाइप के क्वेश्चन करने आने चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर वाचिंग सच टाइप ऑफ वीडियोस। थैंक यू।